हमार झारखंड न्यूज, आपकी सोच आपकी खबर। क्योंकि हमारा लगातार कार्यक्रम जो है जिला में चल रहा है, चिंतन शिविर, परमंडलीय सम्मेलन, उसके बाद अभी हम लोग फिर जिला संवाद कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पे जो बड़ी नेता हैं, जो अध्यक्ष हैं या हमारे CLP हैं या जो अन्य बड़ी नेता हैं, उनके साथ समय अभाव के कारण जो है इस विषय पे कोई चर्चा अभी तक हो नहीं पाई है। हमें लगता है कि इस विषय पे बहुत जल्द हम लोग चर्चा करके फिर उस पर निष्कर्ष हम लोग निकाल लेंगे। हेमंत जी, जिस तरह से 1932 को लेकर बयान दे रहे हैं, क्या कांग्रेस और JMM में बन नहीं रहे क्या? नहीं नहीं, देखिए हमारा ये स्वाभाविक गठबंधन है। हमारा भारतीय जनता पार्टी और आजसू के जैसा लिविंग रिलेशनशिप वाला संबंध नहीं है, बल्कि हमारा संबंध बहुत मजबूत दिल से है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि हमारा बन नहीं रहा है। हम झारखंड मुक्ति मोर्चा का अलग मैनिफेस्टो है, अलग आइडियोलॉजी है, तो कहीं ना कहीं हम लोग कॉमन मिनिमम कार्यक्रम और कोऑर्डिनेशन कमेटी की भी बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, तो सत्र अब आज समाप्त हो जाएगा। हमें लगता है कि बहुत जल्द सारे निर्णयों पर डिस्कशन करते हुए पूरा चित्र जो है क्लियर हो जाएगा। डीजल और गैस को लेकर है तो वह मच गया है देश में, झारखंड में भी लोगों को इसको लेकर सोच रहे कि ले या ना ले, इस पर क्या विचार है आप लोग? देखिए, जिन 5 राज्यों के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी अपनी वस्तु स्थिति में आई, एक तरफ आप देखें कि किस प्रकार कोरोना काल में एक तरफ युवाओं का, देश की महिलाओं का गृहस्थी खत्म हुआ, युवाओं की नौकरी छूटी, निम्न वर्गीय मध्यम वर्गीय परिवार के लोग की थाली से दाल और सब्जी तक मोदी सरकार ने खत्म करने का काम किया है, उसके बाद पेट्रोल की बढ़ोतरी, ये सिर्फ 85 पैसे नहीं है, बल्कि आप देखें कि डीजल में अगर 1 पैसा